पांच ऐसी सरकारी स्कीम्स जिसमें ना ही सिर्फ रिस्क कम है बल्कि 10 से लेकर 12% तक रिटर्न्स भी दे सकती हैं। कौन सी है ये स्कीम्स, चलिए जानते हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ विदुषी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी। आप सब में से बहुत से लोगों की हमारे पास ये क्वेरी आई है कि हमें गवर्नमेंट की टॉप इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में जानना है। सो हियर वी आर। वैसे हम में से तो बहुत से लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जोश मनी में ऑलरेडी गवर्नमेंट की कुछ टॉप स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम उन टॉप 5 गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में जानेंगे जिसमें हमें रिस्क भी ज्यादा नहीं रहेगा और रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। तो हुई ना फायदे की बात। इसके साथ ही उन स्कीम में इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गवर्नमेंट स्कीम जिसमें हम 100% सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है NPS, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक योजना है जिसका मेन मोटिव है हमारी रिटायरमेंट को सुकून भरा बना देना। वैसे तो NPS गवर्नमेंट ने 2004 में शुरू किया था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही था, लेकिन बाद में 2009 में ये स्कीम सभी के लिए ओपन कर दी गई। इसका मतलब चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी खुद का बिजनेस रन करते हो, आप इसमें अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आज ही कर सकते हैं। अच्छा, NPS को रेगुलेट करता है PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। NPS के एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशंस दोनों का काम PFRDA ही करता है। PFRDA को एस्टैब्लिश करने का मेन मोटिव ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना था। PFRDA का मेन काम हमारे फंड्स को डेवलप करना और रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी होता है। अब जानते हैं कि NPS में इंटरेस्ट होता कितना है। NPS में मिलने वाला इंटरेस्ट मार्केट लिंक्ड होता है। NPS में इन्वेस्ट किया गया पैसा 4 एसेट क्लासेस में डिवाइड होता है, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, AIF यानी कि रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो इसमें आप एवरेज रिटर्न 10-15% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी और गवर्नमेंट स्कीम से सबसे ज्यादा है। इसीलिए अगर आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा उसके लिए एक बड़ा अमाउंट का कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, तो NPS में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम में आपको टैक्स रिबेट ऑलमोस्ट 260,000 रुपए तक का मिल जाता है, तो टैक्स बेनिफिट्स के मामले में भी ये स्कीम सबसे बेहतर है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना कॉर्पस बनेगा ये भी आप NPS कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है NPS कैलकुलेटर पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम जिसमें हमें इन्वेस्ट करने पर ना सिर्फ रिटर्न अच्छे मिलेंगे बल्कि उन पर रिस्क भी बहुत लो होगा, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SG बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ने 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर में लॉन्च किया था। इसके सारे लॉन्चेस से लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइसिंग और इंटरेस्ट सब कुछ RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके ही डिसाइड करती है। ये स्कीम आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं और क्योंकि ये स्कीम RBI रेगुलेट करती है तो सेफ्टी का कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ इसके बॉन्ड्स हम या तो ऑनलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स हर महीने में किसी स्पेसिफिक 5 दिन पर ही सब्सक्राइब किए जाते हैं और उस 1 वीक के अंडर में बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। इसमें 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिलता है जो कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इन बॉन्ड्स के इश्यूएंस पर हमें एक SGB सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसकी खास बात यह है कि इन्हें गिरवी रखकर हम किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप काफी टाइम से किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं पर कदम नहीं उठा पा रहे, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स और अकाउंट ओपन कराने के प्रोसेस को समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देखिए, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम पॉपुलरली MIS स्कीम भी कहते हैं। अब ये MIS स्कीम जनरली सभी क्लासेस के बीच में काफी पॉपुलर है। इसमें एक बार पैसा जमा कराने पर उसका इंटरेस्ट मंथली हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है, तो ये हमारे लिए एक मंथली इनकम का भी बेहतरीन सोर्स बन सकता है। स्कीम में इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर क्वार्टर में डिसाइड करती है, तो ये भी आपके लिए उन बेस्ट स्कीम्स में शामिल हो सकती है जो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ
तमाम बेनिफिट्स देगी। स्कीम में कोई भी भारतीय जिसकी एज 18 से ज्यादा है अकाउंट ओपन करा सकता है। इसमें कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता और अगर आप इनकम टैक्स कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको इंटरेस्ट पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्कीम के बारे में अगर आपको थोड़ी और डिटेल में जानना है तो इस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगली स्कीम पर चलते हैं जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर NSC। ये स्कीम भी पोस्ट ऑफिस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स में से है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय जो 10 साल से उम्र में बड़े हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर किसी को 10 साल से कम एज के पर्सन का NSC अकाउंट ओपन कराना है तो वो अकाउंट वो पेरेंट्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल होती है और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। करंटली इस स्कीम में इंटरेस्ट है 6.8% का, जो कि कई स्कीम से काफी बेहतर है। NSC अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर ओपन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें अकाउंट ओपन कराने का प्रोसेस भी बहुत ही सरल बन गया है। इस स्कीम पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिस्क फ्री होने के साथ साथ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। ये गवर्नमेंट की सबसे लॉन्ग रनिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक है और मेरे पापा की फेवरेट। ये स्कीम गवर्नमेंट ने बेसिकली उस सेक्टर के लिए स्टार्ट की थी जो गवर्नमेंट पेंशन के दायरे में नहीं आते या वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं या फिर ऐसे लोग जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या EPF के दायरे में नहीं आते। ऐसे लोगों को उनके रिटायरमेंट के लिए फंड बिल्ड करने में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। PPF पर करंट इंटरेस्ट रेट है 7.1%, जो कि FD और बाकी कई स्कीम से काफी अच्छा है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये अकाउंट आपकी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के साथ साथ आपके लिए एक अच्छे खासे अमाउंट का फंड बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। अगर आपको PPF अकाउंट कैसे ओपन करना है इसे लेकर इसके तमाम बेनिफिट्स को जानना है तो इसके लिए हमने एक PPF पर भी कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें हमने कैलकुलेटर के साथ साथ PPF के कॉर्पस को भी समझाया है। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जाना गवर्नमेंट की टॉप 5 स्कीम्स के बारे में जिसमें इन्वेस्ट करके हम ना सिर्फ अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं बल्कि अपने लिए एक ह्यूज अमाउंट का कॉर्पस भी बिल्ड कर पाएंगे। इन स्कीम्स की एक खास बात यह है कि ये सभी स्कीम्स गवर्नमेंट बैक्ड है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तो सवाल ही नहीं आता। ये स्कीम गवर्नमेंट की कोई ना कोई बॉडी रेगुलेट करती है तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों ही सेफ है। इसीलिए अगर आप अपने पैसे ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ना ही सिर्फ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे बल्कि आप अपने लिए एक ह्यूज कॉर्पस अमाउंट भी बिल्ड कर पाएंगे। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।